हेलो एवरीबॉडी, सो अंकित तिवारी को सब जानते हैं, सुन रहा है ना तू, सबका फेवरेट गाना है ये वाला। और मैं आज उसको होस्ट करने वाली हूँ लखनऊ में, और सुबह सुबह का मेरा ये व्लॉग है। सो आइए मजे करते हैं। और ये मैं सुबह उठ चुकी हूँ बड़ी मुश्किलों से, बैग वैग मेरा पैक है, सुबह का टाइम है 4 बजे का, और ये बैग ज़ारा से लिया था, तैयार है बिल्कुल, और मैं बिल्कुल जाने के लिए रेडी। लॉक वॉक कर लेते हैं बिकॉज पूरी रात से मुझे नींद नहीं आई थी, कुत्तों ने भौंक भौंक के दिमाग खराब कर दिया था मेरा, एक सेकंड के लिए सोई नहीं हूँ मैं। आप चलो जाना तो पड़ेगा बिकॉज एडवांस ले लिया है वेंडर से, जाना तो पड़ेगा। और ये यहाँ पे लिफ्ट मेरी आ चुकी है, अंदर आ चुकी है, ऊबर मेरे नीचे वेट कर रही है 10 मिनट से बेचारा, वो भी खड़ा गाली दे रहा है। और ये हमारे यहाँ सिक्योरिटी डब्बी लगा रखी है उन्होंने, बिकॉज हमारे ऑनर को ये कि कोई और आ ना जाएगा लिफ्ट में, इनकी लिफ्ट में खराब ना कर दे कोई। चलो वट है वो, ये मैं दिख रही हूँ बिना मुंह धोए हुए, बैग बैग बॉटले बॉटले तैयार, ऊपर मेरा वेट कर रही है यहाँ पर बिना मुंह धोए, नहाए भाई मैं हूँ नहीं तो किस लखनऊ जाके ही ना आऊंगी। ये गाड़ी तैयार है और CDR चौक की रेड लाइट चाली हमेशा ऐसे ही रहती है भाई, ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती, 2 बजे हो 4 बजे हो 6 बजे हो, ये हमेशा रेड लाइट ग्रीन, तो मैंने कभी देखी नहीं है लाइट भाई। और ये मैं ये देख रहे हो आप मुझे, मैं कैसी लग रही हूँ बिना मुंह धोए हुए, फिल्टर लगा रखा है जैसे इसलिए कि ठीक ठाक से दिखूं, बट एक्चुअल में बहुत बुरी दिख रही थी मैं क्योंकि मैंने हाई वाई तो थी नहीं। चलिए व्हाटएवर, रेडी टू होस्ट अंकित तिवारी लखनऊ में, और पहुंच चुकी हूँ मैं बिल्कुल यहाँ पे गेट नंबर 2 पे। इन्होंने मुझे छोड़ दिया टाइम से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे जो हुआ ना आपको क्या ही बताऊं। सिर्फ मैंने यहाँ पर लाइन में लग के एक बंदे को क्रॉस किया, उन्होंने मुझे 4 गालियां सुनाई कि आपको दिख नहीं रहा है कि हम बड़े हैं आपसे, आपको समझ नहीं आ रही। और मैं उन्हें बोल रही मेरी फ्लाइट निकलने वाली क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, और यहाँ पर मेरा सामान 15 किलो ज्यादा है तो मुझे ये पैकेट में शिफ्ट करना पड़ा है। और यहाँ पर ये DJ रौनक जो मेरे साथ जा रहे हैं प्ले करने के लिए, और ये SBI कार्ड वाले को इतना तंग कर देना, मैम वॉशरूम गए, मैम ये बार कहाँ है मुझे जाना है, वो इरिटेट हो चुकी थी 100% बिकॉज हम टाइम पास कर रहे थे, ये ज्यादा टाइम पास कर रहा था, मैं नहीं कर रही थी इतना, पर ठीक है। और हमने मिनी से बड़ा क्यूट सा एक टैटू ले लिया था, और ये एयरपोर्ट पर धक्के हम लोग खा रहे हैं, और ये सुबह सुबह हेलो गुड बाय बाहर पे, इसको दारू पीनी थी, एक पैक तो मारेंगे ही सिमरन। अब देखो मैं तो दारू पीती नहीं, तो मैंने तो कोई दारू पी नहीं, बट यस ठीक है। और ये बड़ा क्यूट हमने ले लिया था टाइम पास करने के लिए, और हमारी फ्लाइट डिले हो गई और बहुत परेशान। और उसके बाद ये जो नज़ारा है ना, बस भाई साहब ये नज़ारा दिल लूट लेता है, लगता है कि हम जन्नत में आ चुके हैं। सुबह सुबह की फ्लाइट, ऊपर यहाँ पर हम हैं, और नीचे इतनी ठंड थी ना, क्योंकि ये मैं दिसंबर में मैंने शो किया था इनका, इतनी ठंड थी नीचे, और यहाँ पे ऊपर देख रहे धूप वूप सब बढ़िया। पहुंच गए जनाब लखनऊ, लखनऊ आ गए, लखनऊ आए, मुस्कुराइए तो आप, लखनऊ में है टाइप वाला फील आ गया था बस हमें यहाँ पर अब। और हम ये जा रहे हैं, और लखनऊ सबसे बेस्ट बात कहते हैं लखनऊ में कि ये सब जगह बना हुआ था पिंक बूथ लखनऊ में, और बड़ा साफ सुथरा और बहुत प्यारा ये शहर था, और ये पिंक बूथ हर जगह बना हुआ है। ये मेरा होटल है, होटल में तैयार हूँ मैं बिल्कुल जाने के लिए, हमारी गाड़ी रुक चुकी है, बैग वैग रेडी। अब बस यहाँ पर DJ रौनक ये कह रहे हैं कि पहले मुझे गुड्डा दे दो उसके बाद कुछ और, क्योंकि इन्हें इससे बहुत प्यार हो रहा था। मैंने बैग लेके चले गए यहाँ ऊपर बिकॉज मुझे बहुत थक चुकी हूँ मैं, मुझे जाना है। हेलो मनोज जी कैसे हैं आप, इनको हेलो हाय करने में बड़ा मजा आता है कि मेरी वीडियो बनाओ मेरी वीडियो बनाओ। अभी फाइनली अंदर जा चुकी हूँ मैं, मेरे बैग वैग इन्होंने रख दिया है, ऑफकोर्स अब नहाने वाने की तैयारी, जाना भी है मुझे जल्दी से उठकर बिकॉज शो है कंसर्ट है, फटाफट से पहुँचना है, इवनिंग में था वैसे मुझे बहुत जल्दी। और ये पूरा नजारा मेरे रूम से, और यस इट्स मी, मन कर रहा है कि सो जाऊं पर लंच करने के लिए बुला लिया है मुझे, और ये लंच करने के लिए तैयार, ब्रेकफास्ट जैसे लग रहा है लंच मेरा, पर ठीक है। अब ये पहुंच गई मैं जूम इन इवेंट्स, थैंक यू सो मच। और ये बड़ा अच्छा अंकित तिवारी का इनका कॉन्सर्ट का इन्होंने कार्ड बनाया था, इन्विटेशन कार्ड स्टूडेंट्स ने, बिकॉज मैं सरस्वती कॉलेज में मैं जा रही थी करने के लिए कॉन्सर्ट, बड़ा अच्छा ये कार्ड इसमें सब बड़ा इन्विटेशन आइटनरी सब कुछ था, मुझे देख के बड़ा मजा आया इसको, इसके अंदर सब लिखा हुआ था काइंडली नोट दैट लिकर स्मोक आपकी जेब से होगी हमसे मत मांगना, पर कोई बात नहीं क्यूट है, हम तो पीते ही हैं भाई दारू दुरू, पर चलो ठीक है। सरस्वती डेंटल कॉलेज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें बुलाया, बड़ा अच्छा ये आपका कार्ड है, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ आने के लिए और धूम मचाने के लिए। और एक हैम्पर भी इन लोगों ने दिया था हमें, ये रहा हैम्पर, बड़ा अच्छा हैम्पर लग रहा है ये, मजा आ गया था इन शॉर्ट। अब मुझे सोने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था बिकॉज मुझे जाना है, सो वो के मैं उठ गई हूँ, ड्रेस कौन सी पहने, फिर मैंने रेड चूज करी कि रेड इज द बेस्ट, एंड ये मैं दिख रही हूँ लाल ड्रेस में, आए हाय मेरा खुद की नजर लग जाए मुझे, ऐसा मुझे फील हुआ ये पहन के। आप बताइए कैसी लग रही है मैं ड्रेस में, कमेंट करके जरूर। और ये बैठ गई हूँ मैं जाने के लिए, ये अंकित तिवारी के बोर्ड लगे हुए हैं, कॉलेज में हमने एंट्री कर ली है, बच्चों का इंतजार है क्योंकि अब मजा आने वाला है। बस ये देखिए दोबारा से आ गए हैं हमारे फोटोग्राफर्स मनोज जी और ये अंकित तिवारी का बोर्ड, यस हाय मनोज जी। और ये DJ रौनक बिल्कुल तैयार है ये प्ले करने के लिए, राइट तो चलिए अब अपना मुझे स्टेज देखना है बस कि कैसा मेरा स्टेज है ताकि मुझे मजा, आए हाय क्या बात है यार, लुक एट द स्टेज एंड द ऑडियंस। बस मैं मर रही थी कि मुझे माइक कब मिले, लेकिन पहली बार आ गई थी DJ रौनक की, पर चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद मजे कर रही हूँ, उनको नचवा भी रहे और मजे भी कर रहे हैं,
सामने सारे स्टूडेंट्स हैं सरस्वती डेंटल कॉलेज के लखनऊ के, और हम लोग यहाँ बिल्कुल तैयार हैं मजे लाने के लिए। अंकित तिवारी कब आएगा? और अंकित तिवारी आ चुका है भाई साहब। तो ये अंकित तिवारी ने जो मज़े बांधे ना, बस मैं आपको क्या ही बता दूँ, बिल्कुल मज़ा आ गया यार। थैंक यू सो मच अंकित तिवारी जी, इन्होंने मुझे बड़े अच्छे से बात करी है, और ये कहते कि मैं आपसे पहले मिला हुआ हूँ शायद, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप मिले हुए नहीं है सर, बट मैं अच्छी इतनी ज़्यादा हूँ कि लगता है ऐसा कि हम मिले हुए हैं, मेरा फेस बड़ा क्यूट है ना इसलिए ऐसा लगता है। पर बड़ा है वो, मैंने मेरे दोस्तों को बुला लिया था यहाँ पर और वो आ चुके हैं यहाँ पर। हेलो 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 हेलो, बिकॉज अंकित तिवारी को फ्री में देखने का मौका और कब मिलेगा, उनके दोस्त जो बैंकर है तो फ्री में मिल सकते हैं। ठीक है, अंकित तिवारी इज हियर और सुन रहा है ना, तो बस पागल हो चुके थे, पर मुझे तो यहाँ पर जाना बहुत जरूरी था, ये कुछ ना कुछ बहुत सारे मजे के बाद अब हमारा शो हो गया है खत्म, फुल ऑन मजा आ चुका है आज यार, इतना मजा आया ना क्या बताऊं। और ये सब हम थक चुके हैं, बस अब गाड़ी आई और मैं जाऊं जल्दी से सो जाऊं बस। और ये मैं पहुंच गई हूँ रूम में, ये क्यूट सा गुड्डा बड़ा ज्यादा प्यारा है, मिनी सोफा जो हमने लिया था एयरपोर्ट पे, और अब बस मुझे सोना है भाई, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेट्स स्लीप। ये आ गई है कंबल मुंह पर, चलिए सो जाते हैं अब एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये था अंकित तिवारी के साथ मेरा शो। एंड यस, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज बताना आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, मेरा फर्स्ट ब्लॉग, और बहुत जल्दी मिलते हैं मेरे सेकंड ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, आई एम एंकर सिमरन। ओके सो एवरीबॉडी, एक बार मुझे चाहिए कि खुद के लिए आप लोग तालियां बजाइए प्लीज। क्या एनर्जी है आप लोग।